सारी पेट्रोल भर चले या डीजल भर चले जिस और मर्जी चला कार खड़ी कर छोड़ो पास है कार खड़ी करो पास है सीख रहे लेने इंटर सीधा ले बासड़ा ठीक है बासड़ा ठीक है खुदा की कसम बासड़ जाओ बासड़ 10 रुपए कनकड़ 10 रुपए ले आओ ऐटो 10 रुपए कनकड़ 20 रुपए ले नहीं देख ले अभी बासड़ 10 रुपए ले कितने लेने तक निकले रे तुमने 10 रुपए ले बासड़ ले लियो चलो जनवर ले लेने बासड़ 10 रुपए 10 रुपए ले लियो बासड़ लो ठीक है जो 10 देता हम 10 ही ले लेते हैं भाई दस दस रुपया बस का दस ऐटो वाला ब्रो जाओ ऐटो बैठो कौन कौन जाएगा 20 रुपया ले लेगा गल करना बस वाले ना ऐटो वाले झगड़ा है ना ऐटो वाले ज्यादा पैसा लेने ऐटो वाला दे तू कौन जा 20 रुपया ऐटो वाला ना कोई पता नहीं मेरे को कहां से कोई चक्कर हो अगर साहब बस वाला ना कोई अगर कोई कहना ਤਾਂ ਭਈ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਦੇਣਾ 10 ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਹਾਂ ਹੱਕ ਤੋਰ ਰਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਲ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਲ ਤੱਕ ਅੱਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਪੁੱਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਤੇ ਤਾਰੋ ਕਰ ਕੀਤਾ ਬਣ ਜੀ ਜੀ 20 ਜੀ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਬਣ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ ਜੇ ਪੁੱਲ ਤੱਕ ਵੀ 20 ਦਾ ਬਣ ਜੀ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਸਟਾਪ ਰੱਖੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਜਾਉਤਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਗੁਲਕੋਟ ਤੱਕ ਜਾਉਤਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੇ ਅਗਰ ਉਪਰੋਂ ਬੈਸ ਕੇ ਆਓ ਥੱਲੇ ਬਣ ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਗਾ सवारी बैठी पुंछ से 20 रुपए किराया इन्हें ना है बस आले ने बस आले 10 रुपए बस आले कनकोटो बैसो 10 रुपए उतो बैठो वही 15 रुपए किराया कट मन मर्जी है ना बन जी जो 13 रुपए किराया बन जी जो 13 रुपए किराया आठ जन जोड़ा फिक्स किया 13 रुपए किराया तू बन जी जी दी पुल पर 13 रुपए किराया कितने लेने 20 रुपए 10 रुपए किराया लेते 10 रुपए लेते ऑटो वाले 20 रुपए किराया लेते 20 रुपए यहाँ से बैठो पार निकल जाओ पुल के पार दरिया के पार निकल जाओ तब भी 20 रुपए लेते यहाँ से पार चलो जाओ चुंगी पे तब भी 20 रुपए लेते किराया चुंगी पे कोई ऐसा ऑटो वाला नहीं है जो बात मेरे सामने बात करे किराया ज्यादा किराया बहुत ज्यादा जी तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ऑटो वाले जितने भी ये गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं ऑटो वाले जी बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं किराया उसे 20 रुपए ले रहे हैं बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं ए आरटीओ साहब ने एक अभी किराए की एक नई लिस्ट जो जारी की पुंछ ऑटो वाले इतना इतना किराया लोगों से लेंगे 10 किलोमीटर पे 15 रुपए मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या क्या खाली लोगों को डराने के लिए वो लिस्टें जारी करते हैं या उनको इम्प्लीमेंट करवाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मैं आरटीओ साहब से पूछता हूँ कि आप रेट किस हिसाब से मुकर्रर करते हैं और अगर वो रेट लिस्ट जारी करते तो आवाम को सिर्फ एक वाहवाही सोशल मीडिया पे मीडिया के जरिए से आरटीओ साहब लेना चाहते हैं या उस चीज़ को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन सा कानून बनाया जाएगा ये आरटीओ पुणे से मैं पूछना चाहता हूँ और डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि डीसी साहब भी बताएं कि अगर कोई चीज़